मऊ विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार और इंदौर की विधानसभा 3 से वर्तमान विधायक उषा ठाकुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुलेआम अपनी पार्टी को परिवारवाद के मुद्दे पर कोसती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया में इसका वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। वीडियो में भाजपा प्रत्याशी उषा ठाकुर मऊ विधानसभा के कुछ भाजपा नेताओं और लोगों से बात कर रही है। इसी दौरान वे कहती हुई नजर आ रही है कि उनके लिए राजनीति मिशन का विषय है, न कि कमीशन का। वीडियो में वो यह भी कहती नजर आ रही है कि मैंने कभी कमीशन के लिए राजनीति नहीं की। आप सब जानते हैं मुझे साठ गांठ के तहत नहीं भेजा गया, जो वंशवाद का ग्रहण कांग्रेस को था वही अब भी बीजेपी पे लगा हुआ है। हाल ही में मैं उन लोगों को भेज दिया जिनको कोई जानता नहीं, जिनको कोई पहचानता नहीं, लेकिन परिवारवाद के चलते उन्हें राजनीति में उतार दिया गया है। वहीं उन्होंने अपने साथ एक अन्याय का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी अध्यक्ष से सेटिंग कर मेरा विधानसभा क्षेत्र बदल दिया गया। मैं सबसे पहले मैं बताऊं अंकल कि मैंने भी एमफिल एमएड किया है और सब हमारे पास जी, और मैं आंटी बच्चों को पढ़ाने का एक, मेरे पास बच्चों का एक आश्रम है सबक क्रांति चेतना मंच गुरुकुल के नाम से, 450 बच्चे हैं जो बच्चे अपनी पढ़ाई का खर्च खुद निकालते हैं। 17 बच्चे मेरे यहाँ से डॉक्टर बने हैं, 13 बच्चे इंजीनियर बने हैं, और ये वो बच्चे हैं जो ईंट भट्टा में ईंट बनाने जाते थे, ठेला पे कब्बसी धोने जाते थे। बच्चों का एक अनाथ आश्रम चलाती हूँ चैतन्य धाम के नाम से, टिगरिया बादशाह मेन रोड पर। ये मेरा काम है बच्चों को पढ़ाने का, संस्कार देने का, और मेरा राजनीति मेरा मिशन है। मैंने कमीशन के लिए राजनीति नहीं की अंकल। और आपने जो कहा कि किसी साठ गांठ के तहत मुझे यहाँ नहीं भेजा गया, सीधे शब्दों में आप मेरे परिवार के लोग हैं, मैं बात कर सकती हूँ कि ये राजनीतिक अन्याय है। सचमुच जितना आपको स्वीकारने में कष्ट है कि एकदम आदमी एक आए जिसको हम जानते ही नहीं है, अब वो कैसा है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और उसको वहां पे बोल दिया तुम वहां चले जाओ। ये जो वंशवाद का ग्रहण कांग्रेस को था वो हमारी बीजेपी को भी लगा, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सेट करके मेरी वो विधानसभा जिसमें मैंने, आप जाके देखिए मेरा बुकलेट में भेजूंगी अंशुमान भाई के साथ, एक एक मेरी विधानसभा में आप आइए, मेरे यहाँ 262 बूथ थे, मेरे हर बूथ पे आपको किनको पेंशन मिल रही, किनको